जैसे जैसे नवंबर का महीना आगे बढ़ता जा रहा है, राजधानी दिल्ली में ठंड भी ज्यादा महसूस किए जाने लगी है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। पिछले हफ्ते के मुकाबले देखें तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मंगलवार से तापमान की ओर गिरने की संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी। इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और धुएं और धुंध के कारण दृश्यता में काफी कमी रहेगी। इस बीच हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। अगर बात दिल्ली के प्रदूषण की करें तो यहां अभी तक राहत मिलती नहीं दिख रही है। हालांकि दिवाली के बाद जिस तरह वायु गुणवत्ता गंभीर हो गई थी, उसमें काफी सुधार हुआ है और इस समय वायु गुणवत्ता सूचकांक 380 के करीब है, जिसे बहुत खराब माना जाता है। पिछले दिनों वायु गुणवत्ता सूचकांक दिल्ली समेत NCR के सभी शहरों में लगभग 400 से ऊपर चला गया था। PM 2.5 में भी कमी आई है और इस समय 310.18 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। ये तो रही दिल्ली के मौसम की बात, अब बात करते हैं देश के बाकी हिस्सों में मौसम का हाल क्या रहेगा। साइक्लोनिक प्रेशर के प्रभाव से तमिलनाडु समेत दक्षिण के कई राज्यों में नवंबर के महीने में भारी बारिश के साथ चेन्नई में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई भारी बारिश से बेहाल है। कई इलाकों में तो पानी में डूबने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़कों से लेकर घरों तक में पानी भरा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने चेन्नई में अगले 2 दिन तक भारी बारिश को लेकर अनुमान जताया है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए तमिलनाडु के कई जिलों में आज और कल स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। IMD के मुताबिक दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में तमिलनाडु तट की ओर बढ़ेगा। बंगाल की खाड़ी से तमिलनाडु के समंदर तक साइक्लोनिक प्रेशर के कारण मौसमी गतिविधियां बदल रही हैं, जिसका असर आंध्र प्रदेश एवं पुडुचेरी में भी दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।